सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारे बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश के आगमन को लेकर बेतरिया समरणालय गेट के समीप संयुक्त जन आंदोलन न्याय मोर्चा ने प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सहारा इंडिया के भुगतान कराने की मांग की। प्रदर्शन करने वाले नवल चौरसिया ने कहा कि राज्य सरकार में हम मांग करते हैं, राज्य सरकार से आए दिन घटनाएं घट रही हैं, सड़कों की सैकड़ों की संख्या में पीड़ित लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्या को दूर करें, घटना क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती जा रही है। मीडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर नीतीश समाधान यात्रा के दौरान पश्चिमी पंचारण में नारेबाजी जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने किया। नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए गए। तो दोस्तों यहां पर हालात बहुत बेकाबू हैं। सुशील मोदी ने किया हमला। जी हाँ दोस्तों, इधर नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 350 करोड़ का हवाई जहाज इसलिए खरीद रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि जो राज्य गरीब है उस राज्य के विशेष राज्य को दर्जे की मांग कर रहा है। हमारे स्वराज्य की स्थिति खराब है, उस राज्य के मुख्यमंत्री 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर और जहाज खरीद रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीएम कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य सरकार से मांग रखने के लिए आए दिन घटनाएं घट रही है, सैकड़ों के हालात में सारा से पीड़ित लोग आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं, जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करें, नहीं तो घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती जा रही है। ये रहा मीडिया का एक रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं सारा से घटना घट रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये रास्ता आपको।